Shameless BJP Yogi Minister Yogendra Upadhyay was lambasted by the entirety of ex-community as he proceeded to hand over a check worth 50 lakhs to the grieving mother of slain army man Shubham Gupta in the Rajouri encounter in Kashmir. Some call the BJP out, questioning their brand of nationalism, while others slam the BJP leader for preparing for a photo opportunity when the mother was wailing uncontrollably. की स्वाभाविक पीड़ा थी, उस पीड़ा को एक राजनीतिक रंग देकर अपनी राजनीति की गोटियां लाल करना एक घिनौना प्रयास है। The opposition's call against the BJP minister led to him calling them out for politicizing it. However, other ex-users saw through his facade and called him out successively. उस कुत्सित मानसिकता जिसने वर्ल्ड कप के हिंदुस्तान की हार पर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की स्टेडियम में उपस्थिति को बताते हुए एक घृणित राजनीति की थी, वही मानसिकता आज एक शहीद परिवार के पीड़ा पर राजनीति कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जब उस परिवार के लिए एक श्रद्धांजलि राशि के रूप में उनकी मां के नाम और उनके पिता के नाम चेक भेजे थे, तो मैं और मेरे साथ क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर जी एस धर्मेश उनके आवास पर गए थे। उनके ही परिजनों द्वारा शहीद की मां को बाहर लाया गया था, हमारा कोई आग्रह नहीं था, और उनको चेक जब दिए गए थे तो एक स्वाभाविक पीड़ा थी मां की, वो जो कह रही थी कि मेरे शुभम को बुला दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये एक मां की, दुखी मां की स्वाभाविक पीड़ा थी, शहीद के मां की स्वाभाविक पीड़ा थी। उस पीड़ा को एक राजनीतिक रंग देकर अपनी राजनीति की गोटियां लाल करना एक घिनौना प्रयास है जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। For such fine news breaks and video features from ground on your mobile phones, don't forget to subscribe to our channel, The New Indian, by clicking on the bell icon. Also, follow us on the social media handles on Instagram, Twitter, Facebook and Kuh.